सर नमस्कार, स्वागत है आपका। दिन की ऊंचाइयों पर है बाजार, 17,100 के ऊपर निकलकर टिकते और डबल सेंचुरी मारने के मूड में डाउ फ्यूचर्स भी। आप सुबह बोल भी रहे थे मजबूत रहेंगे, बाजार रिकवरी की पूरी तैयारी कर लीजिए। बताएं सर, आउटलुक और अपडेट दोनों। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो जैसे आपको कहा, दो दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। सोमवार से ग्लोबल ट्रेंड अच्छा है और एक बारी के लिए अक्टूबर का सेकंड हाफ विल पुट रेस्ट टू द बेयर, द बेस्ट टू द माने बेयर्स को ढीला कर देगा। तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते से बहुत अच्छी रैली है ग्लोबली, उस कारण से आप बने रहेंगे तभी इसमें रहेगा। वॉलेटिलिटी और फ्रेंड ऑफ यू फॉलो द ट्रेंड, आपने देख चुके हैं कि काफी कुछ हो चुका है और अभी भी इंडिया आउट परफॉर्मिंग ऑन एनी मेट्रिक। तो मैं रिलेटिवली बुलिश हूँ नेक्स्ट वीक से और मैं सोचता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर विल बी गुड। अपडेट दे दूं, टाटा स्टील आपको रिलायंस और गोदरेज प्रॉपर्टी का था, तीनों न्यू अभी हाई पे जा रहे हैं। रिलायंस नहीं चला लेकिन वो भी चल जाएगा। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल ठीक बात है, शुरू करें सर। और आप कह भी रहे हैं कि दो दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, बोले ये वाली वॉलेटिलिटी तो हम हर रोज बर्दाश्त कर सकते हैं, ये तो आज वाली तो बहुत बढ़िया है सर, मजेदार है जी। सर बताएं। तो अनिल जी लीजिए अशोक लीलैंड, मैंने सुबह भी आपको कहा था, जीएमआर भी दिया था दोपहर को नेहा को, वो भी आउट पर। अशोक लीलैंड इज द बेस्ट प्ले ऑन द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड और उसका जो सीवी और आइस का यू नो इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल जो उसने बनाया वो बहुत बढ़िया कर रहा है। तो 149 रुपए में 145 का स्टॉप लॉस रखिए और 158 रुपए का टारगेट। जब मैंने अशोक लीलैंड का है वो 4-5% बढ़ा है वहां से, ये आपके लिए टॉप पिक है। दूसरा पिक होएगा अनिल जी मेरे हिसाब से टाटा स्टील। मैं फिर कह रहा हूँ 100 रुपए पे टाटा स्टील में जो ब्लॉक डील होनी है हो गई। टाटा स्टील 107-108 का टारगेट है और 97 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये दो बेहतरीन पिक्स है जहां पर आपको करनी है खरीदारी, टाटा स्टील और साथ ही साथ अशोक लेन, दो स्टॉक है पसंद के। बसिन साहब की तरफ से इन पर रखिएगा फोकस।